दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर इस लड़की का डांस बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह लड़की काले रंग की साड़ी पहनकर एक बहुत ही बेहतरीन डांस करते हुए दिखती है। वैसे इनका डांस लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है, वो चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब ही क्यों नहीं हो। और हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 की फेमस कंटेस्टेंट सिंगर फरमानी नाज भी इनसे मिलने गई थी और इन्होंने फरमानी नाज के गाए हुए गाने पर भी लाजवाब डांस किया, जिससे भी इनकी फैंस फॉलोइंग काफी बढ़ गई। वैसे जिस लड़की ने यह डांस किया है, अब लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं और साथ ही इस लड़की के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाह रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वायरल गर्ल की लाइफस्टाइल और इनकी फुल लाइफ स्टोरी जानेंगे कि यह कौन है और कहां से है और कब इन्होंने यह डांस करके सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया था और बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सोशल मीडिया के वायरल डांसर की असली कहानी। तो दोस्तों सोशल मीडिया की वायरल डांसर का रियल नेम है वंशिका और यह हाफुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वंशिका बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और यह अभी पढ़ाई कर रही है लगभग 11th या 12th क्लास में। वैसे वंशिका का यह जो वीडियो वायरल हुआ था यह लगभग एक साल पुराना वीडियो था, क्योंकि एक साल पहले यह वीडियो का छोटा सा क्लिप वंशिका के भाई या बहन ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वैसे यह वीडियो शुरुआत में उतनी वायरल नहीं हुई, मगर धीरे धीरे शेयर होती चली गई। लेकिन जब अगस्त 2022 आए तो इनका वीडियो एकाएक इतना वायरल हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए दोस्तों किसी ने सही कहा, अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया किसी भी इंसान को रातों रात सुपरस्टार बना सकती है, वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर। क्योंकि सोशल मीडिया गरीब अमीर ना देखकर वह टैलेंट को देखती है, जिसका सबूत आपने कई बार देखा होगा और आज देख भी रहे हैं। वैसे दोस्तों वंशिका के सक्सेस का सारा श्रेय आप सब कुछ जाता है, क्योंकि अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते तो शायद वंशिका का टैलेंट बाहर आ पाता। और वंशिका ने इस वायरल वीडियो के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यह डांस अपनी माँ के सामने ही किया था, क्योंकि वंशिका को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने घर में डांस किया करती थी, लेकिन यह कभी भी डांस का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती थी। लेकिन जब से वंशिका की यह वीडियो वायरल हुई तो उनके घर वाले और उनके माँ बाप काफी खुश हैं और वंशिका की तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे बता दें कि वंशिका कहीं से भी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली है, वो घर में ही रहकर टीवी और मोबाइल देखकर डांस सीखी है। वैसे डांस के साथ साथ वंशिका की फेसियल एक्सप्रेशन भी लोगों का काफी दिल जीत रहा है। वैसे दोस्तों इस वायरल डांस के ऊपर शुरुआत में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि यह डांसर इस दुनिया में है ही नहीं। और इसी बात का फायदा उठाने मणिपुरी की आकांक्षा नाम की एक लड़की सामने आई। आकांक्षा कह रही थी कि यह डांस मैंने किया है और इस डांस का सारा क्रेडिट खुद ले रही थी। तभी वंशिका को पता चला तो वह खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर सबको असली सच्चाई बताई और सारा सबूत भी दिखाई। यहाँ पे मैं जी ये डांस कर रही थी। हेलो नमस्ते जी, मैं वो लड़की हूँ जिसने ब्लैक कलर की साड़ी में डांस करा था और उस लड़की का नाम किरण नायक नहीं वंशिका है और ये हापुड़ की रहने वाली है। वैसे दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे चलिए दोस्तों अब मिल लेते वंशिका के फैमिली से। तो वंशिका के फैमिली में इनके माता पिता के अलावा इनके दो भाई और दो बहन हैं और आप इनके फैमिली की कुछ पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इनके हाउस की तो यह अपने फैमिली के साथ हाफुर उत्तर प्रदेश में एक शानदार घर में रहती है और आप इनके घर की भी कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। वैसे दोस्तों इनके YouTube पर एक चैनल भी है वंशिका हाफुर ऑफिशियल वीके के नाम से, जिस पर यह ब्लॉगिंग वीडियो डालती है। तो दोस्तों यह थी वायरल डांसर वंशिका की लाइफस्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही लाइफस्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।